हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटी मॉड्यूल। आज आम डिस्कशन करिबा एसिड पेस एंड सॉल्ट कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जहाँ कि आपण मानक अपकमिंग ओटीटी एग्जाम रे हेल्प करिबो। ता पूर्वरु जदि आपण माने चैनल रे न्यू देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ता सहित वीडियो जदि पसंद आसुची वीडियो को लाइक करंतु और आपनको फीडबैक निश्चय शेयर करंतु। तो चलंतु स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रोटेक्ट टूथ डीके वन इज एडवाइज टू ब्रश द टीथ रेगुलरली। द इंग्रेडिएंट ऑफ द पेस्ट व्हिच चेक टूथ डीके इज ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन डी कोरोसिव। तो आपण जानिथिबे कि आमर जदि माउथ रो पीएच लेवल 5.5 रु कम हैला देन टूथ डीके स्टार्ट हेइ थाय। तो जदि लोअर पीएच अछि देन एसिडिक थिबो, तो एसिडिक को आमे न्यूट्रलाइज करबा पई नॉर्मली जो पेस्ट यूज करा जाए ता बेसिक थाए। तो एडवाइस करथंती बेसिक टूथपेस्ट यूज करबा को। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बेसिक। द इनग्रीडियंट ऑफ द पेस्ट व्हिच चेक्स टू डीके इज बेसिक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इज अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस। ऑप्शन ए एन ए ओ एच, ऑप्शन बी के ओ एच, ऑप्शन सी एन एच फोर ओ एच, ऑप्शन डी सी टू एच फाइव ओ एच। तो ऑप्शन ए एन ए ओ एच, के ओ एच, देन एन एच फोर ओ एच, दिस ऑल आर बेस, बट सी टू एच फाइव ओ एच दिस इज इथानॉल एंड दैट इज नॉट ए बेस, इट इज ए एसिड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमा कंपोस्ट ऑफ। स्टोमाक रे जो गैस्ट्रिक एसिड अच्छी सेटा को एसिड। ऑप्शन ए रे देछि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। स्टोमाक रे जो एसिड प्रेजेंट थाए सेटा होछि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करे डाइजेशन रे। आउ जदि इनडाइजेशन हैला देन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होइथाय अधिक तार क्वांटिटी अधिक है कि एसिडिटी होइथाय। तो स्टोमाक रे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होय जोटा कि हेल्प करे डाइजेशन रे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय ए विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। ऑप्शन ए लिटमस, बी टर्मेरिक, सी वेनिला एसेंस, डी पेट्यूना लिप्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वेनिला एसेंस। ता सहित क्लोव्स मध्ये यूज करा जाय थे एज एन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेक्स्ट, द पीएच ऑफ थ्री सॉल्यूशंस एक्स वाई एंड जेड इज 6, 4, and 8 रेस्पेक्टिवली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आप जानते आम पीएच स्केल 0 to 14 जाए थाए, 0 to 6 टिल दैट इज लोअर द पीएच। पीएच जदि लो अच्छी देन एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक होता है, और पीएच जदि हाई अच्छी देन बेसिक स्ट्रेंथ अधिक होता है और एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। तो 7 point पर्टिकुलरली 7 point रे दैट इज न्यूट्रल पॉइंट। तो एठारे देछि हमको 6 देछि, 6 देछि, ता सहित 4 देछि एंड 8 देछि। तो जदि 4 प्रथमे हबो द मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, देन 6, देन तापरे हबो 8। तो 4 होची हमारे वाई, देन 6 होची एक्स, एंड 8 होची जेड। तो वाई एक्स जेड को ऑप्शन रे अच्छी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए सॉल्यूशन हैज टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो लिटमस पेपर को एज ए इंडिकेटर यूज कराए। तो आप जानते रेड लिटमस ब्लू हैला मीन्स दैट इज बेसिक, आउ ब्लू लिटमस जदि रेड होटा हूँ एसिडिक। तो एठारे देछि रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, तो एटा हबो बेसिक। आपण एटा मध्ये जानथिबे कि बेसिक रे तार पीएच अधिक थाए, तो 10 हबो, 7 तो न्यूट्रल पॉइंट, आउ 5/2 एसिडिक पॉइंट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 10। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ ए बेस। ऑप्शन ए हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, रॉन्ग अच्छी। पीएच जदि हाई हैला
तो बेस स्ट्रंग हे ना कि एसिड हायर द पीएच वीकर द बेस इटा करेक्ट अच्छी देन लोअर द पीएच स्ट्रंगर द बेस रंग अच्छी पीएच जदि कम है बेस वीक हे ऑप्शन फोर रे अच्छी लोअर द पीएच वीकर द बेस इटा ठीक अच्छी तो ऑप्शन डबल आई एंड आई भी करेक्ट को ऑप्शन रे अच्छी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट व्हिच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल एसिड जेते बेले मेटल रो संगे रिएक्ट कर थाए को गैस प्रोड्यूस होई थाए दैट इज हाइड्रोजन H2 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज 7 हाउ कैन यू इंक्रीज इट्स पीएच यदि पीएच 7 अच्छी हमको पीएच इंक्रीज करिवार अच्छी देन हमको बेस एड करिवा को पड़िबो बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एसिड यदि एड करिवा देन पीएच डिक्रीज हबो बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एन एक्व सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू एक्सेस एडिशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज तो रेड लिटमस को ब्लू करुच्ची माने से गोटे बेसिक सॉल्यूशन तो बेसिक सॉल्यूशन को हमको रिवर्स करिवार अच्छी तो आम कौन एड करवा ऑप्शन ए रे देछी बेकिंग पाउडर बी रे अच्छी लाइम ऑप्शन सी रे अच्छी एमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डी रे अच्छी हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आम एसिड एड करवा टू रिवर्स द सॉल्यूशन तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट आउट ऑफ दिस गैसेस व्हिच वन इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर ऑप्शन ए CO2 बी SO2 CNO2 डी H2S कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर यूज करा जाए थे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज टू एड वाटर टू एसिड ऑप्शन बी एड एसिड टू वाटर ऑप्शन सी मिक्स एसिड एंड वाटर साइमल्टेनियसली ऑप्शन डी एड वाटर टू एसिड इन ए सेलो कंटेनर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एसिड को वाटर रे धीरे धीरे एड करा जाए ना हले में भी एटा फायर कैच करी पारे। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑलवेज ऑप्शन ए एंड एसिड एंड ए बेस ऑप्शन बी एन एसिड एंड ए सॉल्ट ऑप्शन सी ए सॉल्ट एंड वाटर ऑप्शन डी ए सॉल्ट एंड ए बेस तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस को ऐड करा जाए तो रिजल्ट मिली था ए सॉल्ट एंड वाटर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिनाफ्थलीन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर एंड इज कलरलेस इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन फिनाफ्थलीन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली तो पचारि छि फिनाफ्थलीन गोटे होउछि सिंथेटिक इंडिकेटर तो तहार कलर एसिडिक रे और बेसिक सॉल्यूशन रे कौन रहिबो तो एसिडिक सॉल्यूशन रे फिनाफ्थलीन इज कलरलेस एंड बेसिक सॉल्यूशन रे एटा पिंक कलरलेस एंड पिंक ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सब्सटेंस कंटेन एसिड ऑप्शन ए ग्रेप्स लाइम वाटर ऑप्शन बी विनेगर एंड सोप ऑप्शन सी कॉड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ऑप्शन डी कॉड एंड विनेगर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कॉड एंड विनेगर आप कमेंट कर जानते कॉड को एसिड अच्छी और विनेगर को एसिड अच्छी यही थी टोटल क्वेश्चन तो आशा करुच्ची भिडियोटी आपको भल लगी जदि भिडियो पसंद आडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब कर निजर फ्रेंड मान सहित सेयार करूँ ता सहित निजर फीडबैक् सेयार करूँ सो थैंक्स फॉर वाचिंग कीप लर्निंग।